ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਚ ਕਰੇ ਸੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਵਾਅਜਲ ਫਰਜਹੁਮ। ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸੱਚੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰੇ ਸਾਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਇਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਨਾਲ ਵਾਅਜਲ ਫਰਜਹੁਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੁਆਹੇ ਕਰੀ ਮੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਿਆਜ਼ਾ ਵਿਛਾਈ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਮੀਨ ਦਾ ਟੁਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੇ ਔਲਾਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਜਨਾਬੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਔਲਾਦੇ ਨਰੀਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਬਾਰੇ ਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਜ਼ਤ ਉਜ਼ਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮੂਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਰੇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਇਨਾਇਤ। ਬਾਰੇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲਿਨ, ਮਾਲਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਰੇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਜ਼ਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੱਜ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਦਾ ਕਸਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਰੇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਜ਼ਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕੀਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਉਮਈਆ ਦੀ ਨਜਿਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਰ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਉਸ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਕਰੇ। ਤਮਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,
मेरा दिल कीता दिल उस है कोई ना थोड़े समझावन की खातिर। अल्लाह की चाहत यह है कि मैं पहचाने मंजा, मेरी पहचान का जरिया जेड़ा अल्लाह ने बनाया है वो रिसाला ते माम नूरे पुरजूद है। सरकार फरमाते हैं कि मेरे नूर दे सदके अल्लाह मुहताज नहीं। मैं कल अर्ज किया ही समझण की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। खुदा अपने तारुफ का मुहताज नहीं, लेकिन उस चूंकि कैनात असबाब के नाल बनाइए, असबाब और इलम ना के पूरी कैनात चलती पई है। ऐ पंखा चलता पाया, बिजली है तो चलता पाया, बिजली ना हो तो कोई ना चल जाए। पूरी कैनात का निज़ाम उस बगैर किसी वजह ना नहीं बनाया। अल्लाह ने अपनी मार्फत वास्ते खुद इरशाद कुदरत है कि मैं नूरे मुहम्मद खल किया ताकि मैं पहचाने वजा। जिस वक्त उस नूरे मुहम्मद भी खल किया, इंसान भी बना छटे, इंसान की हिदायत वास्ते उस फिर हर दौरे हादी भेजे, क्योंकि बगैर हादी भेजन दे खुदा के आदम के खिलाफ है कि वह हादी भी ना भेजे तो जुर्म की सजा भी दे। जुर्म का पता ही ना हो कि यह चीज़ जुर्म है, जुर्म दसावन वास्ते ही तो शहादी भेजे कि किसी बेकसूर के मुँह से तमाचा नहीं मारना, नमाज पढ़नी है, चोरी नहीं करनी, सूद हराम है, शराब नहीं पीवनी, ये जे दसे बगैर ही खुदा सानू जहन्नम का पालन बढ़ावे तो अदले इलाही के मुखालिफ है। इस वास्ते उस पूरी कायनात की हिदायत वास्ते हर दौर एक ना एक हादी भेजा। हादियान दोवें बल्कि जितने भी फिरके मुसलमानों के हर मुसलमान का कीता है हिदायत वास्ते हादी भेजे। कई आते साढ़े जैन, कई आते नहीं, अल्लाह के बनाए हुए हैं तो गुनाह तू पा। उसे आखिरी हादी का पूरी कायनात आदम तो लैके खातम तक जनाबे ईसा, जनाबे इब्राहिम, याकूब, यूसुफ, पूरे अंबिया, सवा लख अंबिया अगर रिसालत माप की रिसालत का इकरार न करें तो उन्होंने नबूवत नहीं बजती। वो रसूल पैंता या अली अगर तेरी विलायत का इकरार न करे ना तो कहें रसूल की रिसालत न बचिया। उसे पाक रसूल का फरमान मैं थोड़े को गुजार किया है। सरकार रिसालत माप का सीरत आई, भावें जुम्मे का खुतबा हो, भावें जकात के मसायल हल करते पे हो, भावें हज के दसते पे हो, जिस वक्त भी रिसालत माप के सामने आकाम इलाहिया बेशक बयान करते पे हो, हसन आवंजिया तो हसन के फजैल, अली आवंजिया तो अली के फजैल, हुसैन आवंजिया तो हुसैन के फजैल, पाक धी आवंजिया उठ वंजिया अपनी मसनत दे बिठा के धी के फजैल बयान करिया, साबित होया नमाज का अपना मकाम है लेकिन हुसैन का अपना मकाम। आकाम इलाहिया दे बयान के बावजूद सीरत रसूल रही है भावें नमाज के मसायल बयान करते पे हो, पुत्र आ बंजे ना नमाज के मसले छोड़ के हसन की फजाइल बयान करे, जकात दसते पे हो सामने हुसैन आ बंजे नंबरदार साहब नमाज के मसायल छोड़ के पुत्र अपने गोद बिठा के आखे ना अहब अल्लाहु मन अहब अल हुसैन। अज मैं थोनू एक दवाई दे के जा रहा, एक नुस्खा दे के जा रहा। कायनात हर बंदा चाहता है अल्लाह साडा मुहिब बने, अल्लाह साडे नाल मुहब्बत करे। ओ खुशकिस्मत इंसान है जिस नाल ओ खालिक मुहब्बत करे। कायनात दे नबी ने एक कैदा गुलिया बयान कर छोड़िया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह थोड़े नाल मुहब्बत करे, अल्लाह थोड़े नाल प्यार करे, अल्लाह थोड़े नाल इश्क करे, अगर थोड़ी ये ख्वाहिश है तो मैं गुलिया पे दसना तुम मेरे पुत्र नाल प्यार करो, अल्लाह थोड़े नाल प्यार। कहदा खुलिया रिसालत इमाम दसिया कि खुदा की मुहब्बत के तलबगार हो तो मेरे पुत्रा नाल मुहब्बत करो, आम नहीं जा जा ते मकाम दसाया। किस
सुन्नी शिया तमाम कुतुब वाकया मौजूद है। कल भी मैं अर्ज किया कि इबादत चू सब तो वड्डी इबादत नमाज, और नमाज चू ही नमाज के अरकान चू सब तो वड्डा रुकन सजदा है। सजदे की हालत सुल्तान अंबिया हुसैन नाने की पुछते सवा सजदे तू सर उठावन की कोशिश की, जिबरील आ गया, नहीं अल्लाह प्यार जितन तइए बैठा है सर सजदे चढ़ा। नमाज के हुसैन का तकाबुल नहीं बनता, असूल से फरू का तकाबुल है ही कोई नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुसैन हुसैन करके तो अल्लाह नाल बंदा लड़ाई की रखू। नमाज छोड़ना गोया खुदा का इनकार। मैं कल अर्ज की है कि अल्लाह जिस नाल दुश्मनी करे ना उस तो सजते जी नेमत लै लें। नमाज का अपना मकाम, लेकिन इन सरदारा का अपना मकाम मुहब्बत हुसैन वजह बनती है कि अल्लाह थोड़े नाल मुहब्बत करे। और कायनात के रसूल मंगिया कुछ नहीं, कायनात तू कुछ मंगिया जंगा च माल गनीमत आया तो अपने साहबा तकसीम च करया। कायनात की मारूफ शख्सियत अमीरी कहदा कायनात कह मजदूर का प्राइम मिनिस्टर बनिया, अपने अपने मुल्क दिया वजीर आजम सदारत मिली, लेकिन अगर मलीकत और अरब कह तखलस है तो रसूल की पहली सौजा का तखलस उस माल के पले हुए लोग। रसूल को कैसी जरूरत है माल मंगया जर मंगया, अल्लाह ना मने इस वजह तू है कि वह अल्लाह है सरकार अमीर कायनात। नहजुल बलागा भी आम तुसा जुम्मे के खुतबे भी सुने सी, सरकार अमीर कायनात फरमाते हैं खुदा मैं तेरी इबादत जन्नत के लालच वास्ते नहीं करता, मैं तेरी इबादत जहन्नम के डर तू नहीं करता, मैं तेरी इबादत इस वजह तू करता कि तू है ही लायक इबादत। कोई तमा कोई लालच नहीं, मेरे को सारे परदे हटा दिते मंजे तालीम दे यकीन ते एक जर्रा बराबर भी ज्यादा ज्यादती नहीं। साबी कायत सरकार अमीर कहना तू पूछे मौला बगैर सोचे समझे जेड़ा सवाल करे तुझे जवाब से देंगे। सरकार अमीर कैनात ने फरमाया नंबरदार साहब के तू मैं ये दस तेरे हथ उंगलियां कितनी, उस बगैर सोचे समझे क्या पानी। अमीर कैनात फरमाया सोचिए नो जल्दी ना दस छोड़े, उस क्या मौला मेरे सामने मेरा हथ होंदा है। फरमाया जी मैं तेरा हथ तेरे सामने ये कैनात अली दे सामने नबियां दे सुल्तान इस उम्मत तो मंगण की लोड़ ही कही है जरा जिंदे सदके पूरी कायनात बनी, फिर भी अल्लाह के नहीं इन्हों को कुछ मंग ला कुछ निस मंगिया, फकत एक चीज मंगी ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुरबा। अगर कुछ दे सकते हो असल मक्के ते कुछ उमरा सरकार रिसालत दे माजरे खिदमत जहाँ अल कर दिन के मालिक असी कुछ तोहफे तहैब लेके आए ये कबूल फरमाओ, तुसा सानू हिदायत का रस्ता विखाया, असी इतने कमीने से जमदियाँ धियाँ जिंदा दरबोर कर छोड़ते से, तुसा सानू धी की पहचान दसी, तुसा सानू सच ते झूठ की पहचान दसी, तुसा सानू हक ते बातिल की पहचान दसी। मैं भी दसा जा कि मेरी साला दे बाब हक ते बातिल की पहचान दसी सरकार रिसाला दे बाब साहबियां दा मजमा। मैं पहले अर्ज कर चुका जिथे भी फजायल बयान कीते सोन दा मजमा आई, अजकल कुछ ना दिन ना दा निश्चित तौर पर कुछ लोग आते जी बस फजायल पढ़ छड़दे ते टुर जांदे जाकिरीन। फजायल पढ़ना मेरा काम नहीं, ये सुन्नत ए रसूल है, ये जाकिर की मजबूरी नहीं, ये सुन्नत ए रसूल है। दाड़ी रखनी अगर थोड़े नजदीक सुनना दे एडी एडी रख लें तो फजायल अमीर कायनात क्यों नहीं पछते। सरकार रिसालत में माँ कई बार आके अल हक को माली वाली वाल हक हक अली दे नाल है और अली हक दे नाल है। फिर इन्हें साख्या जिदे जिदे हक वैसी अली ओदे वैसी, ना ना जिदे अली वैसी हक पीछे पीछे
हक समझावण वाले नबी ने कुछ मंगया है तो वे अजरे बबरतर मेरी आल नाल प्यार करना मेरी औलाद नाल प्यार करना इज्जत आले मोहम्मद की कसम है थोड़ी मकाम से मैं अपनी जान कुर्बान करा जिथू जिथू भी चल के आयो तुसी जिंदा सबूत हो अजरे बबरतर का कई बंदे ऐसे जेडे आराम नाल कुछ एसियां ते सुते पैन कई बार पखे ला के सुते पैन जेड़ा तुसी धियां ते भैणां नाल लाए के आ बैठे हो तुहाडे शामिल हाल रसूल और उसकी धी दी दुआवां बल्कि फकत दुआवां नहीं हो ही जनाब ज़हरा दी दुआ सरकार हसन जिस नाल मुहब्बत का हुक्म दिता सरकार इमाम हुसैन दुनिया ते आए रिसालत दे बाद हथां ते चाया बोसे दिते बोसे देवण दे बाद रसूल दियां अखीं बस पईआं बीबी कोल आके आने मेरे हुसैन दे आवण दी थानू खुशी नहीं हुई फरमाया खुशी बहुत है लेकिन कुछ वक्त याद आ गया वो वक्त दसाए मैं मसाइब नहीं पढ़ना बस एक फिक्र देनी फरमाया जिस वक्त मेरे पुत्र ते मसाइब आसे रोवण वाला कौन फरमाया मैं भी ना उस तू भी ना उस अली ना उस हसन ना उस फरमाया मेरे पुत्र ते रोसी कौन इरशाद रिसालत बाप होया अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा कर सी जिसके बच्चे तेरे बच्चों के रोसन जिंद जवान तेरे जवाना तेरे सुन आम मकाम नहीं थोड़ा इज्जत आले मोहम्मद की कसम खुशामद नहीं कर रहा रिसाला दे माप दे फरमान दे तनाजुर च मैं गल कर छोटा मकाम नहीं इस पिंड दे विच कई सुख दियां निंदरां सुते पै सुबह बाजार ते चौके खलो के सारे इहो नारा लाणा असीं रसूल नूं थोड़े नाल ढेर बंदे आ असीं आले बैत नूं थोड़े नाल ढेर बंदे सुन दे उस रोजाना मैं सुने तुसां नहीं सुने ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਅਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਕਤ ਮਬੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਸਮਾਤੁਲ ਸ਼ੇਖ आयतुल्ला हबीब का शानी किताब दलाए तज़किरा तो शुहदा रिवायत मैं अपनी अखी नाल पढ़ी वो पे फरमाते हैं कि करीमी दी हद दे हुसैन दे वो मैं रिवायत पढ़ सा तुसी आप देरेदार लोग वो समझ थानू आवे सी रिवायत दा के जुमला है कि माशर दा दे होने गुनहगारां दी सफ़ा लगी होनी है हज़ार सफ़ गुनहगारां दी होनी है एक साफ फिर कितने लोग होने तादाद हिसाब कोई नहीं शिफात आले मोहम्मद वास्ते हजार साफ गुनहगारां दी होनी है जहरा दा सोना पुत्र हुसैन आयतुल्लाह हबीब काशानी अलामा बाकर मजलसी बिहार के हवाले नाल लिख दे कि पूरी हजार साफ विचों करीम करबला नू करीम करबला आदि इस वजह तो है हजार सफ विचू 999 सफा की अकले हुसैन शिफात है करीमी ने इंतहा कोई नहीं वजह के ला इला इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं नबियां दा सुल्तान है हसनैन दा नाना है मकाम मंजिला ते खातमुल अंबिया है रसूल भी है नबी भी है इमाम भी है मंजिला सब तो बुलंद है लेकिन मकाम शिफात दर्जा हुसैन का ज्यादा क्यों एक घर जाके डेरे ते बह के अपने बच्चों को बहा के खुद कवेट कर वजह की अली अमीर कैनात इतना वड्डा अमीर एक जनम चलावे दा रहन दी इबादत तो अफजल है कुल्ले ईमान दा ताज सर ते सजावण दे बावजूद 999 सफ़ां दी अकले हुसैन शिफात क्यों कर दे ये सोचना है तुसां जाके मेरी समझ जेड़ा आया है हुसैन चूंकि मैं कल भी आके हर रयूर दा इमाम है जिन्हों धी ते बहन दी तबीज है चाहे कलमा निसवी पढ़िया उस दा भी इमाम है हुसैन मजलूम करबला नू शिफात दा हक इस वजह से दिता है क्योंकि शहादत उज़्मा ते फायदा इन्हां दी मुहब्बत शर्त मुहब्बत है और मुहब्बत हुंदी है मारफत ना इरशाद कुदरत है मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून मैं इंसानां ते जिन्हां नू नहीं बढ़ाया मगर अपनी इबादत वास्ते
تمام مفسرین شیعہ نے لیعبدون دی تفسیر کیتی ہے لیعرفون نال، لیعبدون یعنی لیعرفون، انسانہ اور جنانو بڑھاوڑ دی وجہ کی آئی اللہ نے معرفت واسطے بڑھائے۔ اس حدیث قدسی میں پڑھ چکیا کہ میں چاہتا ہی کہ میں پہچانے جاواں، معرفت دا اردو ہی ترجمہ کرو چاہ تو پہچان، پہچان واسطے جن و انس نو بنایا سی، پہچان واسطے انسانوں نو خلق کیتا سی، پھر انسانوں دے خلق کرن نال کچھ اسباب بنایا سی، نہ کھانا وی ہے تے گندم بنائی سی، زمین زلزلے کام آمن تا پہاڑاں دیاں میکھاں لائیاں سن، ویکھن واسطے دو نور عطا کیتے، اکھ نہ ہوئے نہ تو پتہ لگے اکھ دی قدر کے، ہاتھ نہ ہوئے تو پتہ لگے ہاتھ دی قدر کے، تساں بغیر کسی خرچے دے اللہ تھانوں ایڈا سونا جسم عطا کیتا، معرفت واسطے، معرفت ہوئے تا اہل بیت سمجھ چاہتے، عام معصوم نہیں، بہت بڑا معصوم ہے، 999 صفحہ دا دی شفاعت اکل حسین کرنی ہے، جملہ اس تو بڑا ہے، آخری صاحب بچ بجنی ہے، جس سے سلطان انبیاء شفیع ہونا ہے، جناب زہرا شفیع ہونا ہے، سرکار وفا عباس شفیع ہونا ہے، سرکار حسن شفیع ہونا ہے، گل مقدی مقامہ 124,000 پیغمبر معصومین شفاعت واسطے اس ایک صاحب دی شفاعت کرنی ہے، حسین دے فضائل دے قربان منجا اس ایک صاحب وچ بھی پھر حسین شفاعت، بقام شفاعت وجہ کی جیڑی وجہ مینو سمجھ آئی ہے، حسین جتنی مصیبتاں ویکھیاں اتنی کہیں ویکھیاں، حسین دے مصائب ہی اتنے، ممبر آل محمد دی قسم ہے، سنی میرا بھی بیٹھے حسین 3 یا 4 سال کی تھی، ماں دے سامنے جھڑک دے کے ویکھی، فضائل تے سمجھ نہیں آنے،